भरतपुर जिले के नदबई विधानसभा से पूर्व कांग्रेस विधायक जोगेंद्र अवाना के खिलाफ FFP ने शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में पीड़ित ने 42 लाख रुपए हड़पने और बेटियों को रीट पास करवाकर टीचर बनाने का झांसा देने का आरोप लगाया है। बता दें कि जोगेंद्र साल 2018 से 2023 तक कांग्रेस विधायक रहे थे, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में वो 15,000 वोटों से हार गए। नमस्कार, मैं हूँ शेख जूही, आप देख रहे हैं दिनगरी न्यूज। दरअसल उज्जैन थाना इलाके के गांव जुगला पट्टी के रहने वाले अतर सिंह गुर्जर ने नदबई थाने में मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई। पूर्व विधायक जोगेंद्र अवाना और उनकी पत्नी ब्रजेश अवाना और पुत्र हिमांशु अवाना पर पैसे हड़पने का आरोप लगाया है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि पीड़ित 5 साल तक विधायक के यहाँ काम करता था। अशोक गहलोत और वैभव गहलोत की जनसभाओं में भी विधायक के कहने पर उसने करीब 15 लाख रुपए खर्च किए। इसके अलावा विधायक ने पीड़ित की दोनों बेटियों को रीट पेपर पास करवाकर टीचर बनवाने का झांसा देकर 10 लाख रुपए भी हड़प लिए। पीड़ित ने बताया कि 20 फरवरी 2022 को जनसभा खत्म होने के बाद जोगेंद्र ने मेरी और मेरी बेटियों की मुलाकात वैभव गहलोत से कराई थी। बाद में कहा था कि तेरी दोनों बेटियों का काम हो जाएगा। वैभव से मेरी रोजाना मुलाकात होती रही। यह रकम करीब 42 लाख रुपए है, जिस पर विधायक द्वारा रुपए वापस लौटाने का झांसा जारी रहा। जब पीड़ित ने जोगेंद्र से रुपए वापस देने को कहा तो उसने झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर रुपए वापस नहीं देने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी। शुक्रिया।